खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछले 5 दिनों से महाराष्ट्र का ये राजनीतिक घटनाक्रम देखने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इन दलों ने ऐसा क्यों किया। सत्ता के लिए हर किसी ने विचारधारा से किनारा किया और कुछ देर के लिए तो ये भी सोच लिया कि विचारधारा से फर्क क्या पड़ता है किसी को। ऐसा बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, शिवसेना ने भी किया। तो क्या महाराष्ट्र में नया गठबंधन सिर्फ बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बना है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह भी है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र का आर्थिक रुतबा है। देश की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी और राजनीतिक पार्टियों के चंदे में मुंबई के कॉरपोरेट का पैसा अहम है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए, आपको ये खेल पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। ये जोड़ तोड़, ये गठजोड़, ये वादा खिलाफी, ये गठबंधन क्यों? आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क लिया? मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की क्या वजह है कि जिस अजित पवार को फडणवीस जेल की चक्की पिसवाने की धमकी देते थे बाद में उसी का हाथ थामना पड़ा? घोटाळ्यामध्ये अजित दादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। क्या वजह है कि जिस कांग्रेस और सोनिया गांधी को बाल ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक बुरा भला कहते थे, आज शिवसेना के विधायक उसी सोनिया गांधी की कसम खा रहे हैं? ये पंचकड़ी आज आमच्या देशावरती परदेशातली औलाद ही सोनिया गांधी आहे काय? मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले। भारतीय संविधानाला साक्ष ठेवून गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो की मैं भारतीय संविधान को गंभीर रूप से साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ की मी आदरणीय सोनिया जी गांधी मैं आदरणीय सोनिया जी गांधी ही शक्ति आहे, ही ताकद आहे। सर्वांना आपल्याला धन्यवाद देत असताना मला सोनिया जींना सुद्धा धन्यवाद द्यायचे। ये सब खेल है, सत्ता का, पावर का और पैसे का। ये सब उस महाराष्ट्र की सत्ता पाने के लिए हो रहा है जहां सबसे ज्यादा पैसा है, शेयर मार्केट है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बॉलीवुड है और वही है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। इसीलिए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए सारी विचारधाराएं किनारे हो गई क्योंकि सामने सिर्फ सत्ता की कुर्सी थी। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा प्रदेश है और मुंबई देश की वित्तीय राजधानी भी है। चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश थी, ये था सही षड्यंत्र। किसी भी दल को पार्टी चलाने के लिए भारी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है, करोड़ दो करोड़ की नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ की। और 2014 में केंद्र की सत्ता से बाहर जाने के बाद कांग्रेस पैसों की तंगी से जूझ रही है, उसे कॉरपोरेट चंदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की सत्ता पाने के लिए विचारों को किनारे रखकर शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। 2016 से लेकर 2018 तक देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों को मिले चंदे में महाराष्ट्र का हिस्सा 93% है। 2016 से 18 के बीच बीजेपी को 1731 कॉरपोरेट दानदाताओं से 915 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि इसी दौरान कांग्रेस को 151 कॉरपोरेट दानदाताओं से 55 करोड़ का चंदा मिला। इस आंकड़े से ये भी समझ में आता है कि कांग्रेस को कितना कम कॉरपोरेट चंदा मिल रहा है। देश की टॉप 500 कंपनियों में से 205 महाराष्ट्र में है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा 1880 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मुंबई में खरीदे गए। देश के जीडीपी में मुंबई की हिस्सेदारी 7% है। मुंबई का जीडीपी 26 लाख करोड़ रुपए का है। सिर्फ मुंबई जोन से ही पूरे देश का 1/3 डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है। यहीं पर दुनिया का 13वां और 14वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। आर्थिक पहलू ये है कि महाराष्ट्र देश का 15% जो जीडीपी होता है, 15% जीडीपी महाराष्ट्र में होता है। 450 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देश में जितने ज़्यादा सबसे ज़्यादा निवेश यहाँ होता है। देश का आर्थिक फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई इस राज्य में है। देश के जितने स्टॉक मार्केट
एक्सचेंजेस हैं, रिजर्व बैंक, सब इस देश के सबसे बड़े बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये सब बातें मायने रखती है। कुछ और आंकड़ों से समझिए कि हर किसी को महाराष्ट्र की जरूरत क्यों है। 2017-18 में सबसे ज्यादा 86,244 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश महाराष्ट्र में ही हुआ था। देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का शेयर 14% का है। यहाँ यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। भारत की कुल कृषि भूमि में से 12.4% महाराष्ट्र में है। देश के 9.3% लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आपको महाराष्ट्र की महत्ता समझ में आ गई होगी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए इतनी जोड़ तोड़ और नए गठजोड़ क्यों चले। कल शाम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन सरकार पर वैसी धाक शायद ही रह पाएगी जैसे पहले रहती थी, जब पहली मर्तबा शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी और मनोहर जोशी शिवसेना के मुख्यमंत्री बने, तब वो सरकार मातोश्री के रिमोट से चलती थी। नारायण राणे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वैसा ही हुआ। यहां तक कि 5 साल की देवेंद्र फडणवीस सरकार के दौरान भी मातोश्री को नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन इस बार सरकार पर मातोश्री से ज्यादा सिल्वर ओक यानी शरद पवार का असर दिखना तय है। मास्टर स्ट्रोक एक सवाल पर छोड़ जाते हैं, शिवसेना की बनेगी सरकार, मिल पाएगा पूरा अधिकार?